तो गाइस जैसे कि अभी आपने देखा व्हाट्सएप हैकिंग, तो व्हाट्सएप हैकिंग क्या है, आज मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूँ कि व्हाट्सएप हैक कैसे हो सकता है और कहाँ से व्हाट्सएप हैक हो सकता है। ठीक है गाइस, तो बिल्कुल आप वीडियो में बने रहें मेरे साथ, ए टू जेड जानकारी मैं आपको दूंगा व्हाट्सएप की, ए टू जेड जानकारी दूंगा आपको व्हाट्सएप की। ठीक है, तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है, तो गाइज व्हाट्सएप हैक होता कैसे है, क्यों होता है व्हाट्सएप हैक? गाइज ये सबसे बड़ी गलती हमारी होती है जो हमारा व्हाट्सएप हैक होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी। हमारे पास में कोई भी एक कॉलिंग आता है, कोई भी मैसेज आता है कि आप ये करिए और आप वो करिए, ठीक है, आपका ये हो जाएगा और आपका वो हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस सीधा सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल क्रोम पे जाके कहते बिल्कुल ये गूगल क्रोम का ही फंडा होता है, जो भी कुछ होता है ये हमारा व्हाट्सएप हैक होता है या फिर इससे और को भी कोई रिलेटेड हमारा जो भी कुछ होता है हैकिंग, वो हमारा सलू ए टू जेड गूगल क्रोम से होता है। आपके पास एक लिंक आता है, वहाँ से आप ये गलतियां कर देते हो, वहाँ से कोई बात नहीं, गलतियां करते हैं इंसान से, गलतियां होती हैं। पर गाइस आज की वीडियो में मैं आपको ए टू जेड बता दूंगा कि आपका व्हाट्सएप हैक क्यों होता है और किस लिए होता है। ठीक है, तो गाइस देखो व्हाट्सएप हैकिंग के लिए यहाँ पर आप लिखेंगे व्हाट्सएप, ठीक है गाइस, यहाँ पर व्हाट्सबेब, यहाँ पर आप बेब व्हाट्सएप बेब, ठीक है, व्हाट्सएप बेब स्कैनर, इस टाइप का कोई एप्लीकेशन आपके पास रेफ़र किया जाता है और आप वहाँ से टच करके उसको क्लिक करके आप ये गलती कर बैठते हो। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है यहाँ पे, बहुत ही बड़ा स्कैम चल रहा है गाइस। ठीक है, तो आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखते रहना, मैं आपको बता दूँ तो कि आपका व्हाट्सएप हैक कहाँ से होता है। ठीक है, व्हाट्सएप हैक कहाँ से होता है, तो गाइस यहाँ पर आप बिल्कुल भी ए टू जेड पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साफ लिखा गया है, आप किसी मित्र या परिवार के सदस्य की संपर्क जानकारी व्हाट्सएप से जोड़ने के लिए व्हाट्सएप क्यू आर कोड के स्कैन कर सकते हैं। मतलब किसी भी इंसान की जानकारी के लिए हम अपने व्हाट्सएप स्कैनर पे जाकर और उसका व्हाट्सएप स्कैन करके और वहाँ से हम उसकी प्रॉब्लम को टोटल ए टू जेड हम उसका डाटा देख सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप क्यू आर कोड स्कैन करें। ठीक है, यहाँ पर साफ स्कैनर के बारे में बताया गया है। आपने कभी देखा होगा व्हाट्सएप में कि आपके व्हाट्सएप पर एक क्यू आर कोड, एक स्कैनर आता है, वहाँ से आप स्कैन करके ए टू जेड किसी की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस चीज़ का आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आपके पास कोई भी लिंक आ रहा है आपके पास या फिर कोई फ़ोन कॉल आ रहा है तो वहाँ से जाके आप उस पर क्लिक ना करें, पहले उसको देखें उसके बाद में उस पर क्लिक करें। ठीक है, ये यहाँ पर बता रहा है स्कैन करने के लिए अपने डिवाइस को क्यूआर को ऊपर रखें, मतलब ऊपर रखें। यहाँ पर ए टू जेड जानकारी आपको व्हाट्सएप से यहाँ पर गूगल क्रोम पे मिल जाएगी, आप यहाँ से देख सकते हैं गाइस। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो गाइस आपको मैं स्कैनर भी दिखा रहा हूँ, व्हाट्सएप बेब, ठीक है, स्कैनर भी यहां से आपको बिल्कुल मिल जाएगा, पूरा स्कैनर मिल जाएगा। यहां से आप जब डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहां से आपको वो स्कैनर मिल जाएगा जो स्कैनर होता है। ठीक है गाइस, तो यहां पर आप जाएंगे, यहां पर आप टाइप करेंगे प्ले स्टोर पे, सुनो प्ले स्टोर पे, गूगल क्रोम से तो चलो वो मैंने आपको बता दिया, मैं प्ले स्टोर से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, प्ले स्टोर पर आप जाएंगे तो यहाँ पर व्हाट्सबेब, ठीक है, यहाँ पर आपको व्हाट्सबेब मिल जाएगा स्कैन। ठीक है गाइस, तो इस टाइप के स्कैनर यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि ये स्कैनर हो गया गाइस, ये जो स्कैनर हो गया ना, इस स्कैनर को हम जब दूसरे फ़ोन से स्कैन करेंगे तो वो फ़ोन हमारे व्हाट्सएप पर स्कैन हो जाएगा और वहाँ से हमारा व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। तो गाइस मुझे लगता है ना कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि आपको किसी भी फालतू लिंक पर क्लिक नहीं करना है और गूगल क्रोम पर जाके आपको व्हाट्सएप बेब सर्च करने के बाद में उसको लॉगिन नहीं करना है। ठीक है गाइस, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।